बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि लखनऊ की सड़कों पर हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल इसराइल के हमले में मारे गए हसन नसरुल्ला की मौत पर लखनऊ के शिया समुदाय में खासा आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जहां पर नसरुल्ला को अपने देश का क्रांतिवीर बताया है, तो वहीं भारत सरकार से इसराइल को हथियार सप्लाई नहीं करने की मांग भी की है। बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है और नसीहत भी दे डाली है कि वो विदेश नीति में तुष्टीकरण की राजनीति को शामिल ना करें। आतंकी संगठन हिजबुल्ला का प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के विरोध में लखनऊ के इमामबाड़ा पर हजारों मुसलमान इकट्ठे हो गए। इस दौरान लखनऊ में इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, नसरुल्लाह की मौत के विरोध में लखनऊ में मुस्लिमों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाया। लखनऊ में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। महिलाएं और बच्चे भी हाथ में मोमबत्तियां लेकर साथ साथ चले। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने दुख जताया और हसन नसरुल्लाह की मौत को शहादत बताया। मजलिस पढ़कर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया गया। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय के लगभग 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए, जो कि हाथ में कैंडल लेकर साथ चलते हुए दिखाई दिए। हम लोग जो हैं, जो करबला इमाम हुसैन की शहादत का वाकया है, किसी का भी, हमारा कोई कभी भी मर जाता है, हम उसका गम नहीं मनाते हैं। हम अपने इमाम का, करबला के वाक़े का तस्किरा करके इसका सवाब उनकी रूह को भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शोक का यही हमारा सिस्टम रहता है और हम इसी तरीके से उनका शोक भी मनाएंगे कि 3 दिन तक मजलिस मातम आज़ादारी होगी ताकि इसका सवाब उनको हदिया किया जा सके। नसरुल्लाह की मौत पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया अपने अपने देश के शहीद हैं। साथ ही भारत सरकार से इसराइल को हथियार सप्लाई बंद करने की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि किसे हथियार सप्लाई करने हैं और किसे नहीं, ये विदेश नीति का मामला है। SP इसमें तुष्टीकरण की राजनीति न करे। नसरुल्लाह के जाने से ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी, ये लड़ाई और मजबूत होनी है। लेकिन जो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, भारत की जो आजादी की लड़ाई है, वो फलस्तीन के आजादी के साथ जुड़ी हुई है। तो हम इस देश के प्रधानमंत्री और जो विदेश नीति है हमारी, हम चाहेंगे कि ये जो आप इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, बम बारूद सप्लाई कर रहे हैं, जो कि निर्दोष बच्चे, पत्रकार और जो लोग टेंट्स में रह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर भारत के बम गिर रहे हैं, तो आप इमीडिएट ये जो सप्लाइयां इसराइल को आप दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी। भारत किस देश को हथियार सप्लाई करेगा, किससे कौन से रिश्ते रखेगा, ये विदेश नीति का मामला होता है। ये बड़ा गंभीर विषय है। इन गंभीर विषयों को आंतरिक राजनीति से नहीं आंकना चाहिए